आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेजी संत श्रमणि पंच वर्ष के जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि बासल मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदिश्वर आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान इनको सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 7 रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांत जो अद्वितीय कार्य हुआ, ये वर्ल्ड में पहली बार नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी प्रांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ, वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वे भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वे विशाल पंच कल्याण की संपन्न हुआ था, फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ, फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आने प्रथम बार बड़ में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। हम हम सम सम तम तम पम पम यम यम श्री 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 विम श्री श्याम राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमोते भगवते श्रीमती पवित्र जनेन जिनाभिषेकम 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 ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालसंतं विश्ववादि महावीर पर्यंतं राम द्रीं द्रावै द्रावै नमोते भगवते श्रीमती ठाठाठाठाठरश्मिकमाचार्य श्री स्वाटी निमी से गरी महाराज सनदि आराधना विधान सन संपूर्ण कारणार्थ सर्वी पंचकर संबंधी संपूर्ण कार्य सन संपूर्ण कारणार्थ सर्वी विघ्न विनाशनाथम श्रीमद भगवत अर सर्वी परमिति परिवार नाम देश श्री सैल भक्त श्री राजीव तृतीय नाम देश प्रदीप मुनि नाम सुमन सर्वी ये कुमार जी श्रीमान अभिषेक भीम अंतु का मैम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे रति का मैम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे बड़ी का मैम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे प्रियतम परम वीरम च चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे अग्नि वायु भयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे शत्रु विघ्नम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे फिर जीवनेन्द्रियम करो करो जननेन्द्रियम करो करो व्यव्यानेन्द्रियम करो करो ये कुलानेन्द्रियम करो करो ये विराजनेन्द्रियम करो करो फिर विग्राम नगर कीड़ा कणम दुन संभैनेन्द्रियम करो करो देशस्तेराट्सस्य पुरस्तेराज्ञ करो तो शांतिम भगवन जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान की जय। हे गुरुवर नेमी सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम रीम सी आचार्य श्री स्वाटी शांति सागर जी बी सागर जी जम्बू सागर जी जय सागर जी आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी। ओम ब्रीम श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैन आचार्य पूर्वांचल के बाहुबली अवध के श्री तीर्थ क्षेत्र नेमिगिरी पुणिता तीर्थ क्षेत्र नेमिगिरी में साक्षात विराजमान आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जलाधि अर्घ्य निरपामिति स्वाहा।
नमोस्तु महाराज जी, सभी को आशीर्वाद। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्मानाम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसमय जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मनोधर्म की जय, श्री वर्तमान जीसस की महावीर भगवान की जय, नेमिगिरी में विराजमान मूल की आदिनाथ भगवान की जय, विदिशीत के विद्वान विधि शंकर भगवान की जय, ढाई दीप में तीन कम नौ करोड़े महा मुनि ऋषि राजों की जय, द्वादश अंग जिन वाणी माता की जय, बड़े आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम ऋषि संत श्रोमणि पंचवस के जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। बोले बुंदेलखंड की प्रथम दिगंबर जैन आचार्य पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 104 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्मा हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में अनेकों प्रकार से धर्म करने का प्रयास कर रही है। क्रमशः हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि संसारी प्राणियों के लिए, ग्रस्तों के लिए, श्रावकों के लिए दानम पूजा चेति ग्रस्थानाम,
दान देना और पूजा करना ये मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए कहा है। अब हमारे आचार्यों ने हमें और भी इसी रूप को बताने का प्रयास किया। सट आवश्यक है, क्या सट आवश्यक है? सट माने छह, आवश्यक माने अति आवश्यक, जो अपने जीवन में हमें निरंतर करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक श्रावक प्रत्येक मानव संध्या बेला में निद्रा में सो जाता है, शिव प्रातः काल होते ही उसे नित्य नियम क्रियाएं जिसे कहते हैं वह अति 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 आवश्यक है। वह नित्य नियम क्रियाएं अंजन मंजन स्नान आदि जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं अति आवश्यक हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें सट आवश्यक बताए गए हैं। वो सट आवश्यक कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये छह प्रकार के आवश्यक बताए हैं। इन छह प्रकार के आवश्यकों में हमने देव पूजा, आज तक हमने देव पूजा की है कि नहीं की है हमें नहीं मालूम। क्यों? कि देव पूजा जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में वह देव पूजा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, देव पूजा कितने हमारे आपके जीवन में असीम असीम पुण्य का संचय कराने में कारण होती है। तो प्यारे बंधु, देव पूजा वह सेठ जी ये अपने भक्ति भाव से जिनेन्द्र भगवान की पूजा में सुबह प्रातः काल आ जाते हैं, निमित्त होता है कि सेठ जी का पुत्र उठता है और बगीचे में घूमने चला जाता है। बगीचे में घूमते घूमते उस पुत्र को सर्फ ने डस लिया। सर्फ ने डस लेने के उपरांत सेठानी को पता लगा। सेठानी ने सेठ जी के पास समाचार एक बार दो बार तीन बार भेजा। सेठ जी अपने जिनेन्द्र भगवान की पूजा में बिल्कुल तल्लीन हो गए थे। सोहम सोहम, हे भगवान जैसी आप हो वैसी मैं हूं, ऐसी सोहम सोहम करती हुई अपनी आत्मा में लीन होती चली जा रही थी। सेठ जी ने समाचार नहीं सुना, भगवान की भक्ति में पूजा में लीन रही। सेठानी आक्रोश हो जाती है, सेठानी को क्रोध आ जाता है और पुत्र को अपने कंधे पर लाद कर लाती है और सेठ जी के पास लाकर उनके पास पटक देती है। ये पुत्र तुम्हारा है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सेठ जी फिर भी अपनी भक्ति भाव में पूजा में तल्लीन रही। ये पूजा का समापन होने लगा तो शांति पाठ करती हैं और शांति पाठ करते करते करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रा जल छोड़ते हैं। वह धारा छोड़ते हैं, धारा कहाँ छोड़ते हैं? आप लोग कहाँ छोड़ते हो? या तो चढ़ी हुई द्रव्य में छोड़ देते हो, या चढ़ी हुई जल चंदन आदि में छोड़ देते हो? नहीं, वह धारा कहाँ छोड़नी चाहिए? जहाँ आपने भगवान के नाम की स्थापना की है। प्यारे बंधु, ये जिस प्रकार का अगर परिणाम बना रहा तो वह पूजा आपकी आपके जीवन को सार्थक करने में कितनी कारण बनेगी, ये आप अपने आप में विचार करो। अन्यथा प्यारे बंधु,
ये पूजा वह पूजा है जो आपके लिए जल चढ़ाने से जन्म जरा और मृत्यु का नाश कराने में कारण है। वह चंदन संसार रूपी ताप को नाश कराने में कारण है। वह चावल अक्षते अक्षय पद को प्राप्त कराने में कारण है। वे पुष्प काम रूपी वासनाओं को समाप्त कराने में कारण है। वे एक छोटी सी चीटके निवेद्य आपके भावांतरों की क्षुधा का नाश कराने में कारण है। वे आपका दीपक है, आपके जीवन में महान अंधकार को नाश करते हुए वे आपको ज्ञान प्रकाश कराने में कारण है। वे आपकी धूप है, आपके जीवन के आठों कर्मों को दहन करने में कारण है। वे फल आपके जीवन में महा महा फल है, वे मोक्ष रूपी फल को भी प्राप्त कराने में कारण है। वे अर्घ्य अनर्घ्य पद प्राप्त कराने में कारण है। तो प्यारे बंधु, हमें केवल मात्र इस थाली का द्रव्य इस थाली में न करें, हम उसमें अपने भावों को लगाएं, अपने मन वचन काय की एकाग्रता के साथ ही हम जिनेंद्र भगवान की पूजा, जो जिनेंद्र भगवान है वह हमें भी जिनेंद्र बनाने में कारण है। ऐसी देवानिदेव तीर्थंकर प्रभु की हम आराधना करते हैं, तो हम ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें, आराधना करें, और इसी आराधना में हमारे आपके लिए अष्टानिक पर्व, हमें चतुर्दशी पर्व और अनेक प्रभूषण पर्व और अनेक अनेक प्रकार के विधान अनुष्ठान पर्व हमारे आपके जीवन में प्राप्त हुआ करते हैं। हम जितनी एकाग्रता के साथ ही विधान पूजा अनुष्ठान में सहभागी बनते हैं, तो हमारा जीवन उतना ही पावन पवित्र हुआ करता है, उतने ही हमारा जीवन उन्नत हुआ करता है।